नमस्ते, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ इज सात्विक। इफ यू लाइक दिस प्रोग्राम यू कैन वॉच इट इन यूट्यूब। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन ब्यूटिफुल म्यूजिक। होप यू लाइक इट। So now his orchestra has ended. कि मैंने आप लोगों को बताया, ये दो दिन का सेशंस रखा गया था। कल ये सेशन इंग्लिश में लिया गया था एंड इसका जो रिकॉर्डिंग है मैं ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुका हूं। एंड ये VIX जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसको हम कैसे ट्रेंड फोरकास्ट में यूज करें, इसी के ऊपर में ये प्रोग्राम आधारित है। एंड इसी के ऊपर में आप लोगों को कल मैंने कुछ एविडेंस के साथ में बताया कि कैसे VIX एंड मार्केट का ट्रेंड ये दोनों काम करते हैं। तो VIX एंड मार्केट का ट्रेंड के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप है, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में कल आपने देखे, आज भी आप देखेंगे। एंड ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ VIX है, ये एक न्यू रिसर्च है, ये मेरा रिसर्च का एक नया हिस्सा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में बहुत सारे न्यू चीज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि स्मार्ट फाइनेंस में ही हमने पहले एक पॉलिसी बनाया जिसमें हम ये डिफाइन किए कि हम टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज है, फिबोनाची का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूलेज है, इससे हट के कुछ करेंगे। इसी के ऊपर में रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। 2005 में जब हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसी दिन से 2020 अभी 15 साल के बीच में बहुत सारे न्यू टेक्निक्स का इनोवेशन हो चुका है। जैसे कि वोलेटिलिटी को यूज कैसे इंट्राडे में किया जाए, ये भी स्मार्ट फाइनेंस का ही एक इनोवेटिव रिसर्च है। WD गैन के बहुत सारे टेक्निक्स, जो आज भी आप एक टेक्निक्स देखेंगे जो उनका ओरिजिनल लिटरेचर से सीखना तो दूर का बात, यूज करना तो दूर का बात, सीखना ही उसका डिफिकल्टी था। क्योंकि वो जो लैंग्वेजेस लिखा गया है सिंगल सेंटेंस में, उसको समझना एक बहुत कठिन काम था। एंड अभी मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग WD गैन का टाइम एनालिसिस, जो 4-5 साल पहले बिल्कुल ही मुनासिब नहीं था, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल डेट कब आएगा,
किस दिन आएगा उसको मैथमेटिकली डिटरमिन नहीं कर पा रहा था, अभी आप लोग उसको कैलकुलेशन खुद कर पा रहे हैं, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ ट्रेंड रिवर्सल इसी इसी दिन हो रहा है। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस भी स्मार्ट फाइनेंस का रिसर्च का एक हिस्सा था। एंड इसी प्रकरण में हमारा बहुत सारे ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम बहुत सारे डाटा एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज को हमें अभी फाइनल टच देना है। जैसे कि ऑप्शंस के डोमेन में अगर मैं बताऊं, आप बोलते हैं फ्यूचर का डेल्टा होता है 1। कोई भी ऑप्शंस का किताब उठा लीजिए, आप अगर देखेंगे फ्यूचर का भेगा क्या, ये फ्यूचर का डेल्टा हो गया 1। फ्यूचर का भेगा क्या, वो बोलते हैं कुछ नहीं, 0। फ्यूचर का थीटा क्या, टाइम वैल्यू डीके क्या, ये भी 0। तो इसको भी हम लोगों ने नकारा एंड इसको भी हमने बताया कि ये नहीं है, सही नहीं है। जो फ्यूचर का थीटा होता है वो उसमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट फैक्टर रहता है उसको 30 दिन में डिवाइड करने से उससे निकलता है फ्यूचर का थीटा टाइम डीके, क्योंकि वो प्रीमियम डिस्काउंट तो एक्सपायरी के दिन में चला जाएगा, तो इसमें भी थीटा रहता है, छोटा सा अमाउंट रहता है बट रहता है। जब भेगा का बात आया वहां पे भी हमने डेली वोलेटिलिटी को लिया भेगा के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि जब भी वोलेटिलिटी में कुछ भी बदलाव आएगा फ्यूचर में तो बदलाव आएगा ही, तो आप ये भी नकार नहीं सकते फ्यूचर में भेगा है ही नहीं। तो ये जो चीज है ये सारे स्मार्ट फाइनेंस के एक एक रिसर्च प्रोसेस का नया नया हिस्सा है। एंड यही चीज को आज भी आप लोगों ने आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे हम भिक्स को यूज करके ट्रेंड फोरकास्ट करेंगे, इसका भी आप अभी एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसी प्रकरण में अभी हम ये सेशन शुरू करेंगे। एंड ये जब भी ये प्रोग्राम अभी भी इसका रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, आप इसको रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखिएगा। एंड आप सबसे मुझे एक अनुरोध है, जब भी आपको रिकॉर्डिंग्स का जो रिकॉर्डिंग्स बनेगा उसका भी लिंक भेजा जाएगा आपके ईमेल में, एक ऑटोमेटेड ईमेल कॉल आएगा जिसमें लिखा गया होगा रिकॉर्डिंग यहां से एक्सेस कीजिए, आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें एक रिव्यू का बटन दिया गया होगा, उसमें रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब कोई नया चीज आता है उसका एक्सेप्टेंस तभी लोगों को होता है जब जो लोग उसको एक्सपीरियंस किए, जब वो उसके बारे में बोलते हैं तब जाके लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अभी वो सोशल जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, उसमें से जितने भी मूवमेंट्स होते हैं तो वहां पे देखा जाता है जो उसको एक्सपीरियंस किए हैं उनका क्या व्यू है ज्ञान के बारे में, वीक्स के बारे में। तो ये चीज आपको भी थोड़ा प्रोपागेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 से 20 कॉल हर रोज आते हैं जो लोग बोलते हैं मेरा बड़ा अमाउंट लॉस हो गया। ऐसा नहीं है कि ट्रेड में लॉस नहीं होता, बट इन लोगों का जो लॉसेस हुआ है ये लॉसेस का नेचर डिफरेंट है, क्योंकि इन लोगों ने जो ट्रेड एक्टिविटीज शुरू किए वो सारे एक्टिविटीज इग्नोरेंस से किया गया, उनका कोई भी बेसिस नहीं था। तो ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि पहला एक जो थॉट है आप सबके दिमाग में, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर के दिमाग में ये घुसाया गया है, जो मार्केट में ये सिर्फ एक गैम्बलर्स पैराडाइज है, मींस यहाँ पे कोई भी थियोरी काम नहीं करता है, अपने मन से ही बढ़ता है, मन से ही गिरता है। तो ये जो थॉट है इसी को बहुत लोग कैरी करते हैं। एंड लोग आप ये हैरान हो जाएंगे जान के कि लोग लाखों लुटा देते हैं लॉस में, बट एक किताब 600-700 रुपया का एक किताब में वो लोग स्पेंड करना नहीं चाहते, एक कैलकुलेशन कैलकुलेटर पकड़ के करना नहीं चाहते। तो ये सारे चीज जो है ये अभी भी इंडियन ट्रेडर के बीच में है।
तो इसको बंद कैसे करें? तो हमारे पास में तो कोई पावर नहीं है कि हम बोले कि नहीं, पहले ट्रेड करना है तो कुछ एग्जाम दो, कुछ सर्टिफिकेट लो, तब जाके कर पाओगे। एज ए जनरल लेमैन, एज ए ट्रेडर, सिर्फ आपका काम हो गया, आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, वहीं पे आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाता है। जो भी आप सीखते हैं, मैं हर वक्त बोलता हूं, आप स्मार्ट फाइनेंस के डोमेन में जो भी सीखते हैं, चाहे ज्ञान का हो, चाहे वोलेटिलिटी का हो, चाहे विक्स के आज का डिस्कशन हो, ये सारे चीज को दूसरों को भी सिखाइए। ये वीडियोस को शेयर कीजिए, नहीं तो आप अगर अपने मन से करना चाहते हैं तो सिखाइए, अगर हमारा वीडियो नहीं भी देना चाहते हैं, आप उनको सिर्फ सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए, बट सिखाइए, क्योंकि ये नॉलेज एक जरूरी है, ये जरूरी स्किल है, इसका कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अभी तक बना नहीं है। एंड लोग ट्रेड में घुसेंगे जहां पे, जहां तक इजी मनी का सवाल है, हाँ यहां से कुछ एक्टिविटीज कर ले, कुछ पैसा मिल जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यही जो थॉट को लेके आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेड में आएंगे, तो उनको सिखाने वाला कोई नहीं, कोई अकेला बंदा उनको सिखा नहीं सकता, तो वो आपके सर्कल में होंगे, आपके ट्रेडर फ्रेंड होंगे, तो ये भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सिर्फ ट्रेड करके सक्सेस करना वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दूसरों को भी सिखाइए। चाहे आपका जो भी थॉट, आप जो भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, चाहे अगर आप माने ना माने, बट ये मेरा अनुरोध रहेगा, आप ये जो साइंटिफिक मैथमेटिकल वे है, ये सभी को सिखाता है। एंड इसमें क्या क्या हो सकता है, आप अगर हमारा YouTube चैनल्स को देखें, ये YouTube चैनल जो स्मार्ट फाइनेंस का है, आप लोग बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे, ये चैनल में 3 महीने पहले जब लॕकडाउन शुरू हुआ तब 2 वीडियोस मैंने रिलीज किया, यहाँ पे भिक्स को देख के बटम कैसे फाइंड आउट करें, फिबोनाची रेशियो एंड भिक्स को लगा के, वो सारे लेवल्स परफेक्टली काम किए, वो भी आप लोग जो लोग एक्सपीरियंस किए थे वो लोग सब देखे। सेकेंड, उसका फॉलोअप्स भी बहुत सारे आया। 3 हफ्ते पहले भी मैंने और एक वीडियो आपका रिलीज किया, अभी 10,553 हो गया, यहां से कहां जाएगा, एंड ये 10,553 कहां से आया, ये कोई मनगढ़ंत 10,553 नहीं था, 3 महीने पहले जो रिवर्सल जोन हम लोगों ने फिक्स किए थे 10,553 यहां पे 1.618 ये फिबोनाची का फाइनल लेवल माना जाता है, 3 महीने पहले जो रिवर्सल्स कैलकुलेशन किया गया था 0.786 एंड ये 3 महीने पहले यही वैल्यू से ये 10,553 लिया गया था, यहां से आगे कैसे जाएगा उसका भी एक वीडियो रिलीज किया गया, आप लोगों को मैंने बताया। अगर ये सक्सेसफुली 10,377 के ऊपर में क्लोज होता है तो ये 11,258 तक जा सकता है, लगभग ऑलमोस्ट वो अचीवमेंट भी हो गया, कल भी आपने देखे फ्राइडे में 200 के ऊपर में गया, ये 57 से कुछ 10-20 पॉइंट का नीचे में ही इसका निफ्टी का स्पॉट लेवल लिया गया था। तो ये सब एविडेंस इसलिए मैं बता रहा हूं कि भिक्स का कुछ तो इंपॉर्टेंस है, ये काम तो कर रहा है। अभी चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, इसका और क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे भिक्स जो होता है इसको बोला जाता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये निकलता कैसा है, इसका कैसे काम, इसको कैसे मैथमेटिकली निकाला जाता है, ये ऑप्शंस का डाटा को लेके निकाला जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इसका। यानी कि निफ्टी का जितना भी ट्रेडेबल ऑप्शंस है, ट्रेडेबल ऑप्शंस का मतलब होता है जो ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं, मंथली ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस जो 2 साल के बाद में एक्सपायरी होने वाला है, वो ऑप्शंस भी निफ्टी में है, वो सारे ट्रेडेबल ऑप्शंस का आईवीज को निकाल के एक इंटरपोलेशन मेथड पे ये वीक्स को रियल टाइम बेसिस में निकाला जाता है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डाटा यूज होता है। एंड ये जो वीक्स में क्या फायदा मिलता है,
यह कि अर्ली इंडिकेटर होता है ट्रेंड बदलने का, ट्रेंड कब बदलेगा उसका अर्ली इंडिकेशंस मिलते हैं। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, एंड ये तीनों यूसेस हमारा स्मार्ट फाइनेंस का रिसर्च से निकला हुआ है। एंड हालांकि ये प्रोग्राम तो हम लोग हमारा बायर लोगों के लिए ही शेड्यूल करने वाले थे, मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर पे सबका हक है तो सब लोग इसको सीखे, तो इसलिए ये पूरा पब्लिक के लिए ही ओपन किया गया। तो ये भिक्स को लगा के आप बॉटम फाइंड कर सकते हैं, मार्केट जब गिरेगा ये भिक्स आपका यूज होगा बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। एंड ये बॉटम फाइंड आउट के लिए तभी यूज होगा जब ये वीक्स 50% से ज्यादा होगा, तब से ही आप कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसी तरह से अगर टॉप फाइंड करने के लिए जाएं तो ये जो वीक्स है ये 20 के बिले में बिलो आना चाहिए, 20 के बिलो आना चाहिए बॉटम जो टॉप फाइंड आउट करने के लिए। बाकी बचा यहां पे थर्ड पॉइंट, एक रैली शुरू हुआ या करेक्शन शुरू हुआ, क्या ये रैली या करेक्शंस कंटिन्यू करेगा, ये भी विक्स से ही पता चलता है। विक्स आपको ये भी इंटीमेशन देता है ये रैली अगर चल रहा है कब तक चलेगा, कौन सा ऐसा इंडिकेशन आएगा तो मैं समझ लूंगा नहीं ये रैली खत्म होने वाला है। ये अगर करेक्शन चल रहा है तो करेक्शन कब खत्म होगा, किस तरह का इंडिकेशन ये भिक्स मुझे देगा जिससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ये करेक्शन अभी खत्म होने वाला है। तो ये चीज हम अभी सीखेंगे एंड इसका जनवरी से लेके जुलाई तक का देखेंगे। आप इसको पिछले 5 साल या 10 साल का भी देख लीजिए, हमारा तो टेस्ट जो रिपोर्ट जो हम बनाए हैं वो बड़ा टाइम फ्रेम पिछले 5 साल का ही डाटा को लेके ये बनाया गया है। ये पिछले 5 साल पे भी उसका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन किया है, तो इसी के बारे में आज अभी हम सीखेंगे। इसके लिए 3 मैथमेटिकल टर्म्स यूज होगा, स्टैटिस्टिकल टर्म्स यूज होगा, एक है मीडियन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, तीनों चीज का यूज किया जाएगा। एंड इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है 6 महीना 3 महीना 1 साल का टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको इंट्राडे में यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा जितने भी ट्रेडर भाई लोग हैं वो सभी चीज को एंड में लाके इंट्राडे में ही रुक देते हैं, क्योंकि वो एक चीज ऐसा बैठ गया है दिमाग में कि जैसे वो लोग सोचते हैं इंट्राडे ही सब कुछ होता है, उससे आगे कुछ है ही नहीं दुनिया, तो ये इंट्राडे के लिए है ही नहीं। पहले मैं बता देता हूं, कल जो भी प्रोग्राम हुआ, कल जो 250 लोग थे, मैंने जब प्रोग्राम के बाद में ये क्वेश्चन सब देखा, बहुत लोगों का क्वेश्चन तो आंसर नहीं दे पाया था, जिन लोगों का देखा मैक्सिमम लोग क्या इसको इंट्राडे में यूज किया सकते हैं, मैक्सिमम लोगों कोई इसका एसेंस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो लोग एसेंस तक पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव उनका रहता है, डिसअपॉइंट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर, नहीं ये मेथड काम नहीं करता है दूसरा ढूंढो, दूसरा काम नहीं करता है तीसरा ढूंढो, ऐसे ही उनका चलते रहता है। एम क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम में बिगेस्ट रिटर्न, इंट्राडे का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, एक दिन का एंड में 10% रिटर्न आ जाए, चाहे मार्केट में वोलेटिलिटी हो ना हो, बढ़े ना बढ़े, 10% चाहिए, हालांकि 1% भी बनाते नहीं है कंसिस्टेंट बेसिस में, 1% भी बनता नहीं है, पर 10-10% का ड्रीम हर वक्त चलते रहता है। ये मेथड इंट्राडे में काम नहीं करेगा, इसको वो क्वेश्चन को भी अवॉइड कीजिएगा। अभी चलते हैं इसका जो ट्रेंड समझने का, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है क्या ये अप ट्रेंड कब तक कंटिन्यू करेगा मैं कैसे जानूं, अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एंड ये कब तक ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा उसको कैसे मैं पहचानूं, कैसे जानूं, इसी के बारे में देखेंगे। तो 3 हुए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
वरी मत होइए, इसका फॉर्मूला सब एक्सेल में है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जस्ट ये फॉर्मूला टाइप कर दीजिए मीडियन, उसी तरह से आप यहाँ पे जियो मीन डालिए, हार्मोनिक मीन डालिए, जो एवरेज आप निकालते हैं मूविंग एवरेज वो होता है एरिथमेटिक मीन, यानी कि सबको मिला दो डिवाइड कर दो, 5 दिन का डाटा मिला दो 5 में डिवाइड कर दो, तो वो हो जाता है एरिथमेटिक मीन। बट मैं यहाँ पे जो दो बना रहा हूं ये ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, एंड प्रोग्राम के बाद में अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन होता क्या है, उसका यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत सारे सर्च करके थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, नहीं नहीं है तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए जस्ट तीनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, जो डाटा लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को नहीं लिया गया, यहाँ पे डिस्क्रीट डाटा इसको बोलते हैं। जब हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को लेके कोई एस्टिमेशन करते हैं उसको बोलते हैं कंस्टेंट डाटा, एंड हो गया, एंड से शुरू करो। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है, जो उस दिन जो इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स बने, एक ओपन हुआ, एक हाई हुआ, एक लो हुआ, एक क्लोज हुआ, सारे डाटा पॉइंट्स को लेंगे। क्यों लेंगे, कल भी हमारा एक ट्रेडर भाई ने पूछे थे कि ये जो 4 डाटा पॉइंट लेना क्या जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस नहीं है, ये वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, अगर मैं बोलूं ये विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, आप मोटा मोटी तरह से इसे मान लीजिए, अभी जो 100 ट्रेडर से 100 से 11 ट्रेडर अभी डरे हुए हैं, फियर फैक्टर, ये जो 11 ट्रेडर है वो क्या करेंगे पता नहीं है, थोड़ा सा गिर जाएगा तो बेच देंगे, थोड़ा सा बढ़ गया तो खरीद लेंगे, तो ये डर का जो फियर फैक्टर एसोसिएटेड विथ मार्केट, तो 11 हुआ चलेगा, 100 से 11 हुए चलेगा, अगर ये 100 से 60 लोग डरने लगे तो क्या होगा, जो 40 स्ट्रॉन्ग मैन्स बैठे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 80 हो गया, 80 लोग डरने लगे, जो 20 स्ट्रॉन्ग मैन बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पल्ला भारी हो जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए, अगर आप उसका मैथमेटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए ये तो 100 से ही लिया गया है, तो 100 में से कितने ट्रेडर अभी डरेंगे, फियर फैक्टर एसोसिएटेड एट ए टाइम इज नोन एज वोलेटिलिटी, ये उसका क्लासिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ अलग है। तो हमें क्या करना है, ये जरूरी है, जब मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, ये दोनों के तरफ से जो भी जब लोग डरे हुए हैं तो हमें उसका कुछ एडवांटेज लेना चाहिए, कुछ उसका हम ट्रेड में उपयोग कर पाएंगे तो अच्छा है। तो वो क्लासिकल डेफिनेशन है, उसके साथ में इसका रीडिंग को कुछ मत जोड़िए, इसको जस्ट समझने के लिए मैंने बताया ये होता क्या है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स बने, ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ, ये पांचों चीज को हमने यहाँ पे लेंगे। तो ये प्राइस अभी क्या है निकाले, इसका 3 स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले निकाला गया, एंड इसमें जो डाटा यूज किया गया डिस्क्रीट डाटा, यानी कि कोई कंस्टेंट नहीं है, एक पॉइंट का डाटा नहीं है, क्या ओपन हुआ, क्या लो हुआ, क्या हाई हुआ, क्या क्लोजिंग हुआ, सारे डाटा को लेके हमने 3 स्टैटिस्टिकल वैल्यूज निकाले, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो यहां पे इसको अभी थोड़ा मैं इजी कर लेता हूं, मीडियन जो होता है उसको मिड वैल्यू बोलते हैं, ये जितने भी डाटा हुए उनका मिड वैल्यू क्या है, मीडियम क्या है, इतने डाटा पॉइंट्स बन गए 30 दिन में, इनका मिड वैल्यू क्या है, उसी को मीडियन माना जाता है। मान लीजिए आपने यहां से आप देख रहे हैं, एक भाग रहा है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, दोनों भागते जा रहे हैं, बट अभी आपको पता नहीं है एक प्लेयर यहां पे भाग रहा है, ये एक प्लेयर वहां पे भाग रहा है, तो आपको पता नहीं है वो कहां से भागना शुरू किए थे,
आप देख रहे हैं पी भी भाग रहा है लेफ्ट में, क्यू भी भाग रहा है राइट में। तो आपको ये पता करना है कहां से शुरू किए थे, तो मीडियन वही होता है, कहां से इनका शुरुआत हुआ था, मिड वैल्यू। इसका मिड वैल्यू का मतलब नहीं होता है कि सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, तो उसका जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड है वो फॉलो होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो भी एक दूसरे टाइप ऑफ मीन होता है। अरिथमेटिक मीन है, सबको मिला दो डिवाइड कर दो जितने भी डाटा है। ज्योमेट्रिक मीन है, मान लीजिए मेरे पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका 10 10 सेंटीमीटर का एक बाजू है, 5 सेंटीमीटर का एक बाजू है। मैं आपको बोलता हूं ये स्क्वायर जितने एरिया का है, इसका जितना एरिया ये लिया गया है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल एक है, एक बाजू 10 एक बाजू 5, ये रेक्टेंगल को एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो जिसका एरिया भी सेम रहेगा। ये रेक्टेंगल का एरिया एंड स्क्वायर का एरिया सेम रहेगा, तो उसी समय में हमें ज्योमेट्रिक मीन का जरूरत पड़ता है। उसी तरह से हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक जो मीन होता है वो भी एक मिड वैल्यू मीडियंस का एक हायर एडिशंस होता है। हार्मोनिक मीन जहां पे हम देखते हैं कि ऑसिलेशंस कहां से शुरू हुआ, हार्मोनीज जो हार्मोनिक मोशंस होता है, आप लोग पेंडुलम का घड़ी होगा आप लोगों के पास में, अभी तो वो चला गया है, बहुत पुराना जो लोग देखे होंगे, एक पेंडुलम का घड़ी मिलता था जो क्या होता है, आपने चाबी डाल दिया ये ऐसे ही घूमते रहेगा जब तक उसमें एनर्जी है, यहां से आएगा यहां से आएगा, बट उसका एक मिड पॉइंट रहता है, ये इसको वायलेट नहीं करता है। जब तक उसमें रहेगा, वेरी वेरी ओल्ड टाइम में वो मिलता था, एंड उस समय में, अभी तो वो चला गया, शायद न्यू जनरेशन का लोग उसको देखे भी नहीं होंगे। तो यहां पे आप, यहां पे जो में अभी बैठे हैं, ये जानने के लिए अगर एक रैली हो रहा है तो ये रैली कंटिन्यू करेगा या नहीं, कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा, अगर एक करेक्शन हो रहा है कितने दिन तक ये करेक्शन कंटिन्यू करेगा, इसको कैसे जाने, कैसे फोरकास्ट करे, वही बात हो रहा है। यहां पे निफ्टी का सारे डाटा डाल के डालूंगा तो क्या होगा, स्टेट बैंक का डाटा डालूंगा तो क्या होगा, निकाल लो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वही आंसर रहेगा मेरा। रैली एंड करेक्शंस को जानना समझना, तो एक रैली हो रहा है, मार्केट हर रोज बढ़ रहा है, तो रैली का डेफिनेशंस क्या होता है, करेक्शन का डेफिनेशंस क्या होता है, क्या एक दिन मार्केट गिर गया तो हम चिल्लाने लगते हैं क्रास हो गया, कल ये ब्लास्ट होगा, क्रास ब्लास्ट कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड सब यूज होते रहते हैं। बट ये जो जब भी कोई एक ट्रेंड, अप ट्रेंड में आज क्लोज हुआ उसका भी बड़ा डेफिनेशन है, डाउन कल डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ, कब परसों फिर से अप ट्रेंड हो गया, जब हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ डेज, एक महीने में 30 दिन हुआ, 30 दिन में अगर हम देखते हैं एक 70% ऑफ डेज यानी कि 21 दिन के आसपास का दिन अगर हमारा अप ट्रेंड में क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, ये 50% भी लोग मानते हैं, टेक्निकल लोग 50+, मैं मानता हूं थोड़ा 60-70%, तो इसको रैली मानेंगे। एक महीने में, हाँ 30 दिन का ट्रेडिंग में 21 दिन ऊपर गया तो ये रैली हुआ, 30 में अगर 21 दिन नीचे गया तो उसको करेक्शन मानेंगे, ये समझ लीजिए। बट ये 21 दिन हो गया तो अगले महीने में गिरेगा क्या, उसका गारंटी है नहीं, तो ये बिहेवियर जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बिहेवियर पता नहीं चलेगा फेल्यूरीज होंगे, एंड वो फेल्यूरीज से हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी जो हम देखें टेक्निकल स्टडीज में बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स आ जाते हैं बीच बीच में, तो इसी को थोड़ा सा इंप्रूवाइज करने के लिए, थोड़ा सा नहीं बहुत इंप्रूवाइज करने के लिए ये स्टडी जरूरी हो जाता है। तो हमने जनवरी का ये निकाल दिया, मीडियंस बन गया, ज्योमेट्रिक मीन बन गया, हार्मोनिक मीन बन गया, ये तीनों का फॉर्मूला रेडीमेड एक्सेल में है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करो एंड ये शुरू हो जाएगा, अपना रिजल्ट दे देगा। ये मीडियन निकल आया, ज्योमेट्रिक मीन निकल आया,
एंड हार्मोनिक मील निकल रहा है, ये तीनों किसका निकल रहा है? अभी चले ये जो मीडियंस निकाले, ज्योमेट्रिक मीन निकाले, ये हार्मोनिक मीन निकाले, इसका मतलब क्या होता है? हमने जनवरी महीने का डाटा लिया, ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत क्रिटिकल चीज आप देखने वाले हैं एंड बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं, ये ध्यान से देखिएगा। जनवरी का डाटा हमने लिए तो ये मीडियन बताता है जब तक हमारा फिक्स क्लोजिंग बेसिस में 14.61 के नीचे में रहेगा फरवरी में, ये जनवरी का डाटा बन गया। फरवरी में जब तक ये हमारा 14.61 के नीचे में रहेगा हमें अप ट्रेंड होगा, जब भी ये 14.61 के ऊपर में चला जाएगा तो यहां पे हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन आ जाता है ये ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्यों आ गए? ये जो मीडियन होता है, ये तीनों जो तीनों स्टैटिस्टिकल फैक्टर जो होते हैं ये थोड़ा स्लो है, इसको स्लो माना जाता है, एंड ये उससे थोड़ा फास्ट है ज्योमेट्रिक मीन, एंड बड़ा फास्टनेस जो है, बड़ा चंचल जो है, ये है हार्मोनिक मीन। अगर ये आपका हुआ हिरन बन गया बहुत दौड़ने वाला, या खरगोश बन गया, जो भी बड़ा दौड़ने वाला बन गया, ये यहां पे आ गया, आपको गाय भैंस ये सब दौड़ने वाले एनिमल्स बन गए, मीडियन जो हुआ वो हाथी बना, वो आहिस्ते आहिस्ते चलेगा। ऐसे ही मान लीजिए एक हार्मोनिक मीन जो है वो शॉर्ट टर्म को डिफाइन करता है। एक महीने का डाटा लिए हैं, एक महीने का शॉर्ट टर्म क्या होता है, कल मैंने बताया था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म का एक बढ़िया स्केल है। बात तो सब करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म, वो बोलते हैं शॉर्ट टर्म आपका कितना दिन का शॉर्ट टर्म है, कोई बोलेगा मेरा शॉर्ट टर्म 3 दिन का है, कोई बोलेगा मेरा शॉर्ट टर्म 10 दिन का है, कोई बोलेगा 1 दिन का है। शॉर्ट टर्म इसी को माना जाता है टोटल टाइम ड्यूरेशन का 1/3 मैक्सिमम, यानी कि 10 दिन। एक महीने का डाटा लिया गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हुआ 10, मीडियम टर्म हो गया 2/3 यानी कि 20 दिन, लॉन्ग टर्म हो गया पूरे के पूरे महीना 30 डेज। तो ये जो जब भी आप अभी हार्मोनिक मीन में आ जाते हैं, जब भी हमारा भिक्स क्लोजिंग बेसिस में 14.45 के ऊपर में चला जाएगा, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहां पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो अगले 10 दिन के लिए ध्यान से सुनिएगा, 14.45 के ऊपर में, 14.45 के ऊपर में अगर भिक्स चला गया तो अगले 10 दिन के लिए मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड ही रहेगा। अगर उसी तरह से 14.56 के ऊपर में चला गया अगले 20 दिन तक ये रहेगा, 14.61 के ऊपर में चला गया एक महीने तक ही ये डाउन ट्रेंड रहेगा। उसी तरह से नीचे का भी आप स्केल लगा दीजिए, हालांकि वैल्यू में डिफरेंस कम है बट वो वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अभी ये तीनों वैल्यूज सेम रहेंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, सब अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी इसी को समझ लेते हैं, जो जनवरी में बना, जनवरी 31 तारीख को जब हमने कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू मिल गए, बट वीक्स जो है 17.4 में बैठा हुआ है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ही है। हम लोग अभी जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं जनवरी में, हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है ही, एंड ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चला, यहां तक चला, यहीं पे ये आ जा रहा है 14.4 में, 14.4 अर्ली इंडिकेशन आपको दे दिया कि हाँ ट्रेंड अभी बदल गया, अभी हम अप ट्रेंड में आ गए। यानी कि तीनों के पैरामीटर में, मीडियन के पैरामीटर में, ज्योमेट्रिक मीन के पैरामीटर में, हार्मोनिक मीन का पैरामीटर में, हम अप ट्रेंड में आके दो दरी से 200 पॉइंट ऊपर में है। तो यहाँ पे ऊपर चला, यहाँ पे ऊपर चला, ये भी ऊपर चला, आपने देखे कि जनवरी फरवरी में ये ऊपर गया 200 तक गया, यहाँ पे करेक्शन भी हुए बट वो करेक्शन को मानेंगे नहीं क्योंकि भिक्स जो है वो सुइटेबल जोन में है, साथ दिया मीडियन के नीचे में रहा या अप ट्रेंड में ही हम रहे। यहाँ पे ऊपर नीचे तो प्राइस हुआ 12,000 से भी 11,000 आए, फिर से 12,000 के ऊपर में गया, वो डाउन ट्रेंड भी सस्टेन, 50-60 पॉइंट का डाउन ट्रेंड भी सस्टेन नहीं किया,
रियल डाउन ट्रेंड तब शुरू हुआ जब ये वीक्स क्या है हमारा मीडियन वैल्यू के ऊपर में चला गया, 14.61 के ऊपर में चला गया, 17 में जब चला गया 26 फरवरी को हमारा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो गया एंड ये ऐसे कंटिन्यू करते गया। मंथ ऑफ फरवरी एंड हो गया, जब मंथ ऑफ फरवरी एंड हो गया तो हमें नया सेट ऑफ डाटा मिल गए। हम फिर से जो फरवरी का डाटा लेके उसका मीडियंस, ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन ये सारे निकाले को जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जब तक ये विक्स 14.27 के नीचे में नहीं आ रहा है या 14.69 के नीचे में नहीं आ रहा है तो यहां पे अप ट्रेंड का कोई चांसेस नहीं है। बीच में भी 100-150 पॉइंट का डिफरेंसेस आए बट वो अप ट्रेंड नहीं है, आपका गिरावट चलते रहा एंड ये हुआ आपका मार्च का महीने में। मार्च का भी डाटा निकाले, यहीं पे आपका एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिला, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो चीज आपको यहां पे बात यह आता है, मार्च में 8600 के आसपास में गया एंड हम लोगों ने मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकाल दिया, ये वैल्यूज निकल आए। तो यहां से मुझे आप आउटकम बताइए, अप्रैल में, अप्रैल का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एक महीना जो अप्रैल का ये वैल्यू बताता है, अगर मैं 60 के नीचे में आऊं तो अप ट्रेंड बनेगा एंड 60 तो बड़ा वैल्यू होता है तो यहां पे 47 एंड 41 का कोई मायने नहीं रहता है। तो अभी देखिए अप्रैल में, पहला अप्रैल में हमें 300 पॉइंट के आसपास में गिरावट आया बट वीक्स कितना है 60.1, यानी कि आप मीडियन के नीचे में है, गिरावट हुआ है। यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है इस मेथड में, वीक्स गिरा है, मीडियन से कम है, प्राइस गिर रहा है, वेरी नेक्स्ट डे फर्दर करेक्शंस आए ये, बट ये रहा 55। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो करेक्शन हो रहा है ये करेक्शंस सही नहीं है, टेम्पररी है, फॉल्स है, झूठा करेक्शन हो रहा है, वो मीडियन पॉइंट से मूव नहीं हुआ, ऊपर में मूव नहीं हुआ। उसका बाद का जो सिचुएशन है आपने देखे तो यहाँ पे ये आ गया आपका बड़ा एक ग्रोथ आया, फिर से ये कंसोलिडेशन बैंड में गए। मैं जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे कब बना, यहां से 22 अप्रैल को ये 42.8 में नीचे में आ गया, 23 अप्रैल को यहां से आप देखिए जो भी प्राइसेस बने 23 अप्रैल से लेके 30th अप्रैल तक का, देखिए 6 ट्रेडिंग डेज का जो शॉर्ट टर्म व्यूज है यहां पे 41.82, आप देखिए 41.82 के नीचे में आ गया, यहां पे कितने दिन तक आपका ये रैली चलते रहा, थोड़ा सा करेक्शन एक दिन आया है बट मेजोरिटी ऑफ देन में ये 6 दिन का जो मूवमेंट है सॉलिड मूवमेंट रहा, बहुत बढ़िया मूवमेंट रहा। आप ये जो 6 दिन का डाटा आप देख रहे हैं तो ये आपका हार्मोनिक मीन का कमाल था। तो यहां पे अप्रैल का एंड हो गया, अप्रैल का नया डाटा आप निकाल दिए, सो मई का महीने में कभी भी वो वैलिडेट नहीं हुआ, उसके ऊपर में नहीं गए तो बहुत बढ़िया ग्रोथ भी आया, कंसोलिडेशन ग्रोथ हुआ, बीच में कुछ फॉल भी आया हुए है बट वो फॉल है। उसके बाद में जून में भी आपने देखे, जून में ये पूरा मेंटेन किया तो बहुत बढ़िया जून में भी ग्रोथ मिला, जुलाई में भी इसी तरह से हुआ है। तो अभी ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म का, ये जुलाई में भी ग्रोथ हुआ, जुलाई का भी जो आप देख रहे हैं। अभी मैंने जनवरी से जुलाई का एक निकला, ये भी मैंने कल बताया था, जनवरी से लेके जुलाई महीने तक का निकाला, मीडियंस निकाला,
यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला, ये सारे भी निकाला, सारे चीज निकाला। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने के लिए, ये जनवरी से लेके जुलाई तक का, कल भी ये क्वेश्चन एक आया था, एक हमारे ट्रेडर भाई ने बोले कि आप जो बोल रहे हैं इसके ऊपर चला जाएगा तो ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा, ये वाला जो डाटा को देख के। तो यहाँ पे 16 जनवरी जुलाई से लेके 23 जुलाई तक तो ये 24 के ऊपर में ही रहा है, तो डाउन ट्रेंड कहाँ हुआ, ये भी मुझे पूछे थे। कल मैं उनको आंसर क्या दिया था, ये जो डाटा हम लिए हैं ये सिर्फ जून महीने का डाटा नहीं है, ये जनवरी से लेके जून तक का, यानी कि इसका जो शुरुआत होगा ये 26 जुलाई से ही शुरुआत होगा, अगले 7 महीने तक, ये जुलाई तक रहता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7 महीना हुआ, तो अगले 7 महीने 26 जुलाई से शुरू होगा। तो ये लॉन्ग टर्म व्यूज के हैं, बट ये जो जुलाई का महीने का जो एक्शन आप देख रहे हैं ये जून महीने का डाटा को लेकर माना जाएगा। जून महीने का मीडियन है 28.82, ज्योमेट्रिक मीन है 30, हार्मोनिक मीन है 30, इसीलिए जून में ये जो देख रहे हैं इसको देख के कंफ्यूज मत होइए, ये जून का जो एक्शन हुआ है उसी का एक्शन रिप्ले चल रहा है यहाँ पे जो जुलाई में। तो एक एक महीने का आपने देखे, जब लॉन्ग टर्म लेंगे लॉन्ग टर्म व्यू बनेगा, तो अगले 7 महीने तक जब भी आप देखेंगे, अगर 7 महीने के लंबा टाइम ड्यूरेशन का व्यू को देखेंगे, अगर मैं देखूं 26 जुलाई से लेके आगे 7 महीने तक मैं डाउन ट्रेंड में हूं, अगर मैं मंथली व्यू देखूं मैं अप ट्रेंड में अभी हूं। तो अभी मैं क्वेश्चन आ जाता है तो ये दोनों तो कंफ्यूजन हो गया, तो मैं क्या करूं। तो अभी जो लोग 7 महीने तक खरीदना चाहते हैं निफ्टी को, निफ्टी को बहुत लोग खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, निफ्टी बीज को खरीदते भी है, बीज होता है निफ्टी बीज बोलता है कोई, अगर मुझे कोई पूछे क्या मैं निफ्टी बीज को अभी खरीद सकता हूं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है, मैं पूछूंगा कितने दिन तक आप रखे, 6-7 महीना रखूंगा। तो जो आपको बताए कि मैं निफ्टी बीज को अभी खरीदना चाहता हूं, क्या वो खरीदेगा अभी निफ्टी बीज अगले 7 महीने तक, या अगले 7 महीने का स्केल मीडियन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, अभी आप चल रहा है 26.66, काल हुआ था 25 के आसपास में, क्या अगले 7 महीने तक निफ्टी बीज को खरीदना चाहिए, आप कौन से ट्रेंड में है, खरीदना कब है, जब अप ट्रेंड में आप जाएंगे, अभी अप ट्रेंड चाहने का कोई चांसेस है, रैली कंटिन्यू नहीं करेगा सागर काले जी, सागर जी रैली कंटिन्यू नहीं करेगा, जगन्नाथ जी कल्पेश जी रैली कंटिन्यू नहीं करेगा, पिछले 7 महीने का डाटा आपको हार्मोनिक मीन जो बता रहा है शॉर्ट टर्म्स के लिए, आप जो मीडियन है अभी 28, आप 28 तो पहुंचे नहीं, 28 के नीचे में है, ये 27 जो है 27 के नीचे में है, बट आप हार्मोनिक मीन के तरफ देखें तो आप हार्मोनिक मीन के ऊपर में है, 26.17 के ऊपर में है, आपको अभी बीज को खरीदना सही नहीं रहेगा, वेट कीजिए थोड़ा, वेट कीजिए, क्योंकि आप 6-7 महीने के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये 10 दिन के लिए नहीं, 7 महीने तक आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे 7 महीना हो गया, तो उसका 1/3 2 महीना, ये 4 महीना, ये हो गया 7 महीना, तो ये जो अगले 2 महीने तक ये ट्रेंड है जो है, ये डाटा से ये पता चलता है अगले 2 महीने तक आप डाउन ट्रेंड में ही अभी है, इसके ऊपर में है, तो वेट कीजिए, तो वो गिरेगा, जब वो बीज गिरेगा, क्योंकि 2 महीने तक इसमें वैल्यू एडिशन का चांसेस कम है, तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं, बीज का इन्वेस्टमेंट के लिए 26 के नीचे आ गया तो हाँ कर सकते, 24 के ऊपर में है 2 महीने टाइम है, बड़ा टाइम है वो, क्योंकि ये 7 महीने का डाटा लिया गया है।
अगर 27 के ऊपर में भी चला गया फर्दर आप नहीं लेंगे, 28 के ऊपर में चला गया नहीं लेंगे, आप नया डाटा एक्सप्लोरेट करते जाइए, नया डाटा आप लगाते जाइए, जब आपको फेवरेबल सिचुएशंस आएंगे तब आपको खरीदना चाहिए। तो ये निफ्टी का जितना भी स्टॉक्स है, जो 50 स्टॉक्स निफ्टी का है, सभी इसी को मानेंगे, क्योंकि निफ्टी तो बिना 50 स्टॉक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, तो इसीलिए इसमें आपको नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आप अप ट्रेंड में अभी है, बट जब इन्वेस्टमेंट का बात हो जाता है, लॉन्ग टर्म प्लेयर का बात हो जाता है, 7 महीने तक, अभी 2 महीने तक आप अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हार्मोनिक मीन के हिसाब से, क्योंकि टाइम सेट कितना हो गया, ये जो कैलकुलेशन हुआ यहाँ पे 7 महीने का डाटा लेके हमने किए। अगर आप 1 महीना, 1 ईयर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा 4 महीना, सो 1/3, 2/3 होगा आपका 8 महीना, पूरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा 1 ईयर। यहाँ पे 7 महीने लिए, 2 महीने तक आप अभी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगा। बट 1 महीने का जो डाटा है, जून का महीने का डाटा लेके अगर हम देखें तो हम अप ट्रेंड में है, ट्रेडिंग के लिए सही, बीज का इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का? नहीं, मुझे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे जब आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको पूछूंगा कितने दिन के लिए, क्या 1 महीने के लिए आप करना चाहते हैं? हाँ, 1 महीना, तो 1 महीना तो पिछले महीने का डाटा लेके मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए, जो डाटा पॉइंट्स आए उसको देख लीजिए, क्या ट्रेंड अभी बनने वाला है, उसके बाद में प्राइस एनालिसिस के लिए आप कोई भी मेथड ले लीजिए, कहां पे खरीदना है, तब जाके प्राइस एनालिसिस का आएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे 7 महीने तक वो निफ्टी का बीज को खरीद के रखना है, तो अभी उसके लिए 7 महीने का डाटा लेके आपको देखना है क्या ये जो अप ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यू करने वाला है या नहीं करने वाला है, उसी हिसाब से आप लेंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर में ही ये बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव के साथ में आप ही प्लान करेंगे, फाइन। लोग बहुत लोग हमारा कोर्स लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो WD ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर पे तो हमारा बहुत सारा काम हुआ है, और आप देखें तो यहाँ पे एक चीज होता है वो WD ज्ञान का स्टडी क्या है, वो दूसरे स्टडीज के हिसाब से डिफरेंस क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टडीज। तो ये जो चीज है ज्ञान के स्टडीज में, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो सब डिमांड, जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं वो सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड एंड सप्लाई का जो स्टडीज होता है, ये वाइब्रेशन ऑफ द पास्ट सिचुएशंस, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज नहीं किया गया, वाइब्रेशन ऑफ द पास्ट सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पे सारे चीज को डिग्रीज में कन्वर्ट किए जाते हैं, प्राइस एंड टाइम डाटा को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, एंड उसके बाद में हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर प्राइस एंड टाइम। एंड ये जो रैली एंड करेक्शन विल कंटिन्यू और नॉट, ये कोई अगर रैली चल रहा है या करेक्शन चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा या नहीं, उसके लिए WD ज्ञान ने एक फेमस कोट दिया, ये WD ज्ञान का ओरिजिनल राइटिंग का एक हिस्सा है, इफ ट्रेंड चेंज हैपन इन इक्वल टाइम साइकिल और ऑन एनिवर्सरी डेट, देन यूज द 360 डिग्री ऑफसेट टू नो whether the change in trend is a simple correction or a complete trend change। इसको कुछ वर्डिंग्स मैंने हटा दिया क्योंकि वो बड़ा पैराग्राफ था, ये एक पूरा पैराग्राफ है, बहुत सारा चीज हटा के मैंने इसे कंपाइल करके आपको दिया। कल भी मैंने पूछा था, अगर आप ये सेंटेंस को 100 बार भी पढ़ेंगे तो यहां से समझने का चांसेस रिमोट है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। पहला बताता है ट्रेंड चेंज हैपन इन इक्वल टाइम साइकिल, ये जो टाइम साइकिल का जो टर्म है, ज्ञान के कोई भी किताब आप ले लीजिए, इसका इतना यूज किया गया है, टाइम साइकिल, ग्रेट साइकिल, सुपर साइकिल, माइनर साइकिल, ये साइकिल का पूरा फंडा ही भरा हुआ है। तो इतने कोई भी ज्ञान के सब बुक ले लीजिए, आपका टनल थ्रू एयर ले लीजिए, माई 45 ईयर्स
एक्सपीरियंस इन वॉल स्ट्रीट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप यहाँ पे ये चीज जो है ये बता दिए कि हाँ इक्वल टाइम साइकिल्स में इफ ट्रेंड चेंज हैपन इन इक्वल टाइम साइकिल और ऑन एनिवर्सरी डेट, तो एनिवर्सरी डेट क्या होता है एंड उस समय में 360 डिग्रीज का ऑफसेट को लेना पड़ता है। आप अभी अभी तो कल ही आप एक ट्रेंड चेंज डेट को एक्सपीरियंस किए, कल ही हमारा 26 तारीख निफ्टी का ट्रेंड चेंज डेट था क्योंकि 25 का कैलकुलेशन था तो 26 जो प्रीवियस वर्किंग डेज है उसी में गिरेगा, तो वही था कल आपने एक्सपीरियंस किए, उससे पहले भी कुछ दो दिन का भी एक्सपीरियंस किए इस महीने में, वो दूसरा मेथड है। ये एक सिंपल सा मेथड, सिंपल थॉट्स। उसके बाद में बहुत सारे चीज उन्होंने एग्जांपल्स दिए, तो उसी को समझने के लिए अभी जाते हैं ये होता क्या है। तो अभी इसका जो सिंपल स्टडी है प्राइस के हिसाब से हम देखेंगे, प्राइस लेके देखेंगे, तो वीक्स को भूल जाइए। अभी निफ्टी जो है इस साल में 2020 में 14 जनवरी को क्लोजिंग बेसिस में लिया हूं, क्लोजिंग बेसिस में 14 जनवरी को 12,362 में क्लोज हुआ था, ये था उसका हाई। एंड उसके बाद में 23 मार्च को ये क्लोज हुआ 7,610, वो था उसका इस साल का लो। इस साल में जो हाई हुआ है एंड लो हुआ है ये दोनों को अगर आप ले ले ये होता है 49 दिन, यानी कि 49 डेज, हिंदी में कुछ गलत हो गया तो माफ कर दीजिएगा, तो ये 49 डेज, 50 से एक दिन कम। तो यहां से ज्ञान साहब वही बताते हैं कि यहां से एनिवर्सरी डेट हर 45 दिन में एक एक ट्रेंड चेंज मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो ये ट्रेडिंग डेज हुए, कैलेंडर डेज नहीं। एंड वो जो ट्रेडिंग डेज है वो 69 ट्रेडिंग डेज रहते हैं, 69 या 66, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। 49 दिन का जो 49 डेज का ये बना ट्रेडिंग डेज, ये सारे ट्रेडिंग डेज ही लिया गया है, तो ट्रेडिंग डेज हुए 49 इन बीच में। वैलिडेट करते हैं, बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, तो वैलिडेट करते हैं, गिनना शुरू करेंगे 26 मार्च से गिनती शुरू हुआ एंड 49 डेज जो है आपका बनता है, जो 49 डेज है आपका बना, ये जो 49 डेज ये बन रहा है यहां पे 8 जून। तो ये देखिए जहां से शुरू हुआ 26 मार्च से लेके 8 जून तक ये प्राइस 10,167 आया नहीं है क्लोजिंग बेसिस में, क्लोजिंग बेसिस में हम क्लोजिंग बेसिस में ही ले रहे हैं, ये हाईएस्ट था। इसके बाद में करेक्शन हुए, करेक्शन कुछ देर तक चला, यहां पे भी 9,800 तक आया, यहाँ पे 9,500 भी बना हुआ है। ये जो 15 जून का जो दिन है इसमें हाई लो का भी मैं डाला हूँ, 15 जून में ये 9,700 बना था, 12 जून में 9,500 भी बना था, तो निफ्टी स्पॉट में ये हुआ। तो यहीं से करेक्टिव साइकिल्स उनका बात सही हुआ, एनिवर्सरी डेट उस दिन था, तो उसी दिन हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। तो वो बोलते हैं यहां से 360 डिग्री का ऑफसेट लगाओ, यानी कि 360 डिग्री का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैलकुलेट करो। तो ये 10,167 से अगर हम 360 का सपोर्ट कैलकुलेट करें, ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले, 360 डिवाइडेड बाय 180 इनटू स्क्वायर, ये ज्ञान के फॉर्मूले हैं, ये मेरा नहीं है, ज्ञान के फॉर्मूले है। इसी तरह से सपोर्ट निकलता है, इसी तरह से रेजिस्टेंस निकलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों निकाल दिए। तो ये साहब बोलते हैं अगर ये 9,768 के नीचे में ये क्लोजिंग प्राइस लिया गया है, ये अगर 9,768 के नीचे में क्लोज होता है तो ये सेकेंड साइकिल यानी कि 9,376 तक जा सकता है। अगर 9,376 भी वो क्लोज होता है उसके नीचे में, चाहे एक पॉइंट नीचे में भी हो, एक पॉइंट नीचे में भी हो, अगर 9,376 के साथ में के नीचे में भी अगर ये क्लोज होता है तो ये फर्दर भी नीचे जा सकता है। एंड वो जो फर्दर नीचे जाएगा
वो फर्दर भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इसको कंट्रोल वी कर दे। तो यहाँ पे पहले पहले जो वो फॉर्मूला है उसको कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा अभी उसका जो अगर 9300 के नीचे में भी जाता है क्लोजिंग बेसिस में, क्लोज होता है 377 के नीचे में, तो ये आएगा यहाँ पे डाटा बदल जाएगा 377 से लेंगे तो 8993 तक, 8993 तक जा सकता है, यही बोले उन्होंने। तो ये तो सही हो गया, 8 जून का आ गया। क्या ये इसी तरह से चलते रहेगा जिंदगी भर, पांच सात साल 10 साल तक चलते रहेगा? नहीं। तो यहाँ पे ये जो बात हो, ये जो 8 जून का हो गया उसके बाद में क्या ये पूरा चलते रहेगा ऐसे? 8 जून में होगा फिर 49 दिन के बाद में फिर से होगा, ऐसे ही चलते रहेगा 5-10 साल तक? क्या सोच, डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पे हमारा 49 डेज में ये हुआ, आगे चल के चाहे 1-2 साइकिल वो चलता है तो वैलिडेशन वहां पे एक जगह में ये मानेगा नहीं, 49 डेज को मानेगा नहीं, 48 में हो जाएगा, 47 में हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा, होगा भी नहीं 60 दिन तक। जब ये डिसोबे करेगा 3-5 साइकिल तक तो वो चलता रहता है, जब ये डिसोबे करेगा तब हमें ये हंट करना पड़ेगा अभी ये कौन सा एनिवर्सरी डेट को अभी ये मैप कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप में से बहुत ट्रेडर्स ऐसे हैं वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड किए 3 महीना, बोलते हैं कि 3 महीना काम किया उसके बाद में काम करना बंद कर दिया, काम नहीं किया। ज्ञान के ट्रेंड रिवर्सल डेट 6 महीना काम किया उसके बाद में काम करना बंद कर दिया, तो वो बंद नहीं किया है, उसमें जो डाटा को वो मैप कर रहा है अभी, जो एनिवर्सरी डेट हो या जो भी हमारा जो स्क्वेरिंग का फेनोमेना है वो जिस डाटा को मैप कर रहा है वो डाटा हम यूज नहीं कर रहे, वो हमसे छूट जा रहा है, इसीलिए हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम सही से पकड़ पाए तो वो भी काम करना शुरू कर देगा, अभी वो स्क्वेरिंग कैसे बन रहा है। तो इसीलिए ज्ञान का जो स्टडी है वो एक डायनामिक स्टडी है, वहां पे स्क्वेरिंग का बात होता है, कौन सा डाटा अभी इंपॉर्टेंट है, स्क्वेरिंग है मीन्स कौन से डाटा, कौन से एंगल अभी इंपॉर्टेंट है, कौन से डाटा अभी इंपॉर्टेंट है, वही चीज को जब ये फेल्यूरी देगा 49 2-3 बार चला उसके बाद में फेल्यूरी हुआ, तो उस टाइम में हमें ड्रॉप करके ये देखना है ये आज जो फेल्यूरी हुआ तो जब वो सक्सेस देता है तो उसका मैपिंग क्या है, वो डाटा का रेंज क्या है, तो वो डाटा को देख के हम फिर से न्यू साइकिल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे जो प्राइस एंड टाइम का बिहेवियर एक बिग नंबर ऑफ ट्रेडर्स सेट करते हैं, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से डिफरेंट जजमेंट प्रोसेस में काम करते हैं, तो हमें उनका बिहेवियर को स्टडी करना है ज्ञान के स्टडी के मायने में, तो ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं बनेगा, तो यही चीज में कन्वे करना चाहता था। तो यहाँ पे हमें 49 डेज लिए, तो 49 डेज में यहाँ पे एक स्क्वेरिंग बना, ये काम भी किया, हमने देखे कि हाँ ये रैली, ये करेक्शन अगर 9768 के नीचे में आ जाता तो हम मान लेते क्लोजिंग बेसिस में 500 तक भी गया, बट क्लोजिंग अगर हो जाता तो ये फर्दर डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाता, वैसे हुआ नहीं तो फिर से रिवर्सल्स हो गए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें 1-2-3-4-5-6-7 लगभग 7 दिन तक का ये एक ट्रेंड्स बने, तो 7 डेज तक का ये डाउन ट्रेंड रहा, 7 डेज के बाद में इसमें तेजी आ गया, फिर से चला। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट एनिवर्सरी डेट क्या पड़ रहा है, 14 अगस्त, यहाँ पे ट्रेंड बदलने वाला है। अगर कैलेंडर डेज को देखें, इन जो दोनों दिनों के बीच में कैलेंडर डेज जो है 69 डेज होते हैं, ये कैलेंडर डेज को अगर हम इसी तरह से कंपेयर करते रहे, 1 जून 9 अगस्त एंड 17 अक्टूबर में हमें ये जो ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिलेगा। जब ये ट्रेंड चेंज होगा हमें 360 डिग्री का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के ये कंक्लूजन देना पड़ेगा, क्या वो रैली
वो ट्रेंड चेंज तो कोई रैली या कोई भी करेक्शन लाएगा, क्या वो करेक्शन या रैली कंटिन्यू करने वाला है या नहीं। अगर यहाँ पे 9768 के नीचे में क्लोजिंग होता तो हम ये मानते कि ये करेक्शन कंटिन्यू करने वाला है, क्लोजिंग नहीं हुआ तो यहाँ पे हम मानेंगे ये करेक्शंस कंटिन्यू नहीं किया। अभी जब भी ये इसका मूवमेंट्स आएंगे तो 10574 के ऊपर में ये 10990 तक का एम कर सकता है, इसका भी हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं। यहां से एक रैली रहेगा 10575 से लेके 10990 तक का, तो ये कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? जो भी किताब से उसमें से ये सोच थे, अगर आपको कुछ अचीव करना है हार्ड वर्क करके अचीव करो, मेरा किताब पढ़ो, अपने आप वो फाइंड आउट करो, अपने आप उसको फाइंड आउट करो। इसीलिए उन्होंने क्लासिकल स्टाइल में लिखा क्योंकि उस समय का राइटिंग्स का स्टाइल ऐसा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं था समझने के लिए, नहीं इसको दे दो कि ये पढ़ के समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। खुद पढ़ो, जैसे वेद लिखा गया है, वेद को पढ़ के कोई समझ नहीं पाएगा, कुछ भी समझ नहीं पाएगा, तो उसमें समझना वेरी डिफिकल्ट। भिक्स को देख के करेक्शन एंड रैली का कंटिन्यूटी, वो करेक्शन हो रहा है तो कब तक वो करेक्शन चलेगा, कब तक वो रैली चलेगा, उसको कैसे आप एस्टिमेट करें मैथमेटिकल मीडियन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन को लेके। इसमें यहाँ पे मैंने मंथली टाइम फ्रेम में बताया, आप 10 डेज का टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, 15 डेज का टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं, 7 दिन का टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं। जो आप ट्रेडर्स लोग हैं 7 डेज का टाइम फ्रेम में भी आप ले सकते हैं, लेके भी वहां से भी आपको बहुत ट्रेडिंग करना है तो उसी हिसाब से आपका हेजिंग वेजिंग का प्लान कर सकते हैं। ज्ञान के एक मेथड मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड फोरकास्ट का जो मैंने बताया, यहाँ पे उन्होंने एनिवर्सरी डेट का जिक्र किया है, द रिपीटेशन ऑफ द सेम साइकिल्स किया है, एंड वहां पे 360 डिग्री का जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को यूज करके आप कंटिन्यूटी ऑफ द अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये एस्टिमेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपने सीखे। बहुत सारे हमारे कोर्सेस है, अगर आप स्मार्ट फाइनेंस के वेबसाइट में जाए, प्रोडक्ट के सेगमेंट में जाए, ज्ञान के ऊपर में फॉर्मुलेटेड कोर्सेस है, तो यहाँ पे जितने भी मेरा किताब है वहाँ पे आपको कोई फैंसी स्टोरीज नहीं मिलेंगे, उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं मिलेगा कि हाँ फालतू का इसको पढ़ते रहो, टू द पॉइंट दिया गया है, यही फॉर्मूला है, यही कैलकुलेशन है, उसको छोड़ के और कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए उसका पेज लेंथ कम है बट नॉलेज ज्यादा है, तो उसको पढ़ने के लिए सम टाइम रिक्वायर्ड। तो कैसे पढ़े, एक एक चैप्टर को पढ़िए, एक एक मेथड को पढ़िए, उसको वर्कआउट कीजिए पेन एंड पेपर में, टेस्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद में ही उसमें आपको ग्रिप आएगा। और कोई भी चीज हिडन नहीं है। कुछ कमर्शियल बेनिफिट के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर्स में जो वोलाटाइलिटी को यूज किया जाता है वो रियल टाइम वोलाटाइलिटी है, उसको थोड़ा हिडन रखा गया है, वो एक प्रोप्राइटरी एसेट करके उसको रखा गया है। बाकी के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो सारे ओपन कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, काम पे लगा सकते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है। जो सॉफ्टवेयर में लगे गए कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम वोलाटाइलिटी हुआ या आईवी के कैलकुलेशन हुए ऑप्शंस में, इम्प्लाइड वोलाटाइलिटी का कैलकुलेशन हुए या रियल टाइम ऑप्शन ग्रीक के कैलकुलेशन हुए, वो सारे थोड़ा प्रोप्राइटरी रखा गया है उसमें। इसे उसमें इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के लिए हमारा जो बिगर प्रोडक्ट है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप कन्विंस्ड है, अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट फाइनेंस का कुछ प्रोडक्ट को मैं प्रोक्योर करूँ, ये सब अफोर्डेबल जोन में रखे गए हैं, जो एक जनरल ट्रेडर अफोर्ड कर पाएगा, उसी तरह का सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग रखा गया है, कोर्सेज के कॉस्टिंग रखा गया है, 2000-2500 में ये मिलते हैं। तो आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं ज्ञान का 1-1 लाख में मिलता है तो आप 2000 में कैसे देते हैं, तो प्राइस के टर्म में आप देखेंगे तो हम पीछे हैं। जो 1 लाख ले रहा है हम उसके बहुत पीछे हैं प्राइस के टर्म्स में। बट उससे मेरा एक अनुरोध रहेगा, बुक्स के चैप्टर आपको पढ़े हुए हैं साइट में, कोर्स का कंटेंट्स दिए गए हैं साइट में, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्स के कंटेंट क्या है, यहाँ पे कोर्स डिटेल्स में मिल जाएगा, डीवीडीज में क्या क्या कंटेंट है,
आप बुक के सेगमेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पे ज्ञान बुक के चैप्टर्स क्या क्या है वो सब पता चल जाएगा। इसका भी 20% आप गूगल जो रीडर है उसमें पढ़ भी सकते हैं। ये सारे को देख के आप कंपेयर कीजिए, जो लोग जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको 1 लाख 1.5 लाख मांग रहे हैं उनको पूछिए कि इसको छोड़ के और क्या। अगर वो बोलते हैं कि ये सब बकवास है मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सिखाऊंगा तो वो आपके मर्जी है। बट ये इतना ही कॉन्सेप्ट जो है यही कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। तो वो जिंदा होते तो वो कुछ अलग लिख लेते, उनका भूत तो आके नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे ये बात आ जाता है, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें है क्या, तो वो सब्जेक्ट को जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट का जो थीम है उसको भी जानना पड़ेगा। क्या उससे ज्यादा कुछ है? नहीं है उससे ज्यादा कुछ कंटेंट, तो 1 लाख 1.5 लाख में दूं क्यों? तो वो आपका जजमेंट के प्रोसेस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसमें मेरा आपके पास में पैसा है, आप ही पढ़ेंगे आप ही सीखेंगे। 1 लाख देना चाहते हैं किसी को तो दे लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बट ये मेरा अनुरोध रहेगा, ज्ञान कोई स्पेशल स्टडी नहीं है, इट इज वन ऑफ द स्टडी। आप इसको स्पेशल इतना मत मानिए। तो इतना बड़ा जो स्टडी जो बोलते हैं, इतना बड़ा चीज नहीं है, जो सबसे हटके है सबसे अलग है, उसमें से पूरा भविष्य का सारे सितारे दिखाई देंगे ऐसा नहीं है। भविष्य का सारे सितारे दिखाई देंगे उस तरह का है ही नहीं कोई भी चीज। जब आप ये भविष्य का सारे सितारे देख पाएंगे तो आपका और भगवान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यू आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द गॉड। सो यहाँ ये इट्स ए ग्रेट मेथड, इट इज डिफरेंट, सारे मेथड से हटकर है। इसके लिए हम सल्यूट करेंगे उसको, जो ज्ञान के जो मेथड है सारे मेथड से हटकर है उसके लिए सैल्यूट करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे उसके लिए। बट अगर इसमें बताया जाए कि हाँ इसमें भविष्य का सारे गणना हो सकते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेके सारे चीज उसी में लिखा गया है, उसी को देख लेंगे तो पूरा पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है एंड क्या क्या होगा। एंड वो जो शॉर्टकट मिल गया, तो जैसे जैसे आप लोगों में जो हमारा एथनिक स्टोरीज में बिलीव करते हैं, एक राजा थे जिन्होंने एक ऐसा मटेरियल बना लिया जिसको भी छू ले गोल्ड बन जाए। बहुत लोग जो सुने होंगे इस तरह का स्टोरीज जो है, एक राजा थे महाभारत के युग में, तो उन्होंने जिसको भी छू लिया छुना लिया वो गोल्ड बन गया। तो वो गोल्ड बना के अपने गांव में सब देश में बांटने लगे, तो सबके पास में गोल्ड आ गया, सबके पास में मिलने लगा गोल्ड। तो गोल्ड जब किसी के पास में नहीं था तब गोल्ड का वैल्यू था। आप स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है, आप लोगों को पता होगा, अभी गोल्ड किसी के पास में नहीं है तो वैल्यू है। सबके पास में 1-1 क्विंटल का गोल्ड आ जाए तो क्या होगा? मान लीजिए तो कोई गोल्ड खरीदेगा नहीं, गोल्ड का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो सब सोचे कि हाँ गोल्ड मिल गया तो मुझे कोई गरीबी नहीं रहेगा, गोल्ड को सेल करके मैंने इतने वेल्थ कमा लूंगा, ग्रेन वेन सब खरीद लूंगा, तो सब मेरा जितना भी प्रॉब्लम है सब चला जाएगा। तो यह क्या हुआ, गोल्ड जब सबके पास में हो गया तो इसमें भी गोल्ड खरीदा नहीं, और गोल्ड के आशा में किसी ने कुछ उगाया भी नहीं खेती में, तो सब मरे खाने के लिए, किसी को खाना नहीं मिला। तो ये एक सीख देता है हमें, स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, तो कोई गोल्ड वाला ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जिसमें से हमें आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको हेजिंग करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान टेक्निकल ये सारे मेथड्स को हमें यूज करना पड़ेगा। ये सारे चीज को यूज करके एक कैलकुलेटेड वेज में, एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल में, परफेक्ट बिजनेस मॉडल में हम ये करेंगे। कभी हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, कभी हमें लॉस भी मिलेगा, नया चीज सीखेंगे। भिक्स को तो सब देख रहे हैं, अभी आज हमने एक भिक्स का नया नेचर्स देखा सीखा, वोलेटिलिटी सब बोल रहे हैं, वोलेटिलिटी को देख के इंट्राडे कैसे करें वो सीखे, उसको सीखेंगे, हेजिंग करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, ऐसे करेंगे तो मिलेगा।
तो अभी हमें हनुमान मुद्रिका मिल जाए तो सारे चीज को हमें अचीव हो जाएगा। तो ऐसे मुझे भी बहुत याद आ रहा है, मेरे गांव में भी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बार भी हनुमान मुद्रिका ढूंढने निकल गए, सारा अपना वेल्थ को डुबा दिया हनुमान मुद्रिका ढूंढने के लिए। वो रामायण का युग का महाराज राम ने एक मुद्रिका निकाले थी, एक कॉइन निकाले थे, तो उसको क्या हुआ था, उसको मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज में वो अपना सारा वेल्थ निकाल दिए। तो वही चीज मत कीजिएगा। जब ये ज्ञान का स्टडीज के बात आता है, हर वक्त मैं ये समझाता हूं आपको, जो चीज ट्रांसपेरेंटली आपको दिखता नहीं है वो है ही नहीं। कोई बोलता है मुझे सीक्रेट पता है, 1 लाख दे दो मैं बता दूंगा, तो वो कभी बताएगा नहीं, वो आपको बुद्धू बना रहा है। 5 हजार 10 हजार नहीं है, ये किताब सिर्फ 650 का, 700 रुपया का है, कुरियर के साथ में 850 में आता है। अगर आपको ऑनलाइन एडिशन चाहिए तो ये फिर से भी सस्ता हो जाता है, ऑनलाइन ऑनलाइन एडिशन में, ई बुक का एडिशन में भी अभी आ गया है, वो कुछ 500-600 रुपया में है। पढ़ के देखिए, उसमें कैलकुलेशन सारे दिया गए हैं, देखिए सीख लीजिएगा। एक्सेल शीट जिन लोगों को चाहिए, जिन लोगों को एक्सेल शीट चाहिए, यहाँ पे एक ईमेल कर दीजिए smartfinance.in में, तो हमारा जो ईमेल आईडीज हैं, तो एडमिन वाला आईडी में, हमारा एडमिन वाला आईडी यहाँ से वो लोग तो हटा दिए हैं, तो किसी को पता नहीं चल रहा है, तो इसको ऐड करेंगे। ये वाला आईडी लिख दीजिए, एडमिन एडमिन एट द रेट smartfinance.in, SMART फाइनेंस, हमारा कंपनी यहाँ पे जो लिखा है स्मार्ट फाइनेंस, फाइनेंस NANCE कंपनी का नाम ऊपर में लिखा है .in, इसमें ईमेल कर दीजिए। अभी मैं इसको आपका हैंडआउट सेक्शन में डाल देता हूं, आप अगर चाहे तो इसको अभी भी डाउनलोड कर लीजिए, एंड ये जो चीज है आपको मिल भी जाएगा। अभी वो डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद में एक मैसेज डाल दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। वो ज्ञान डीवीडीज में सारे बेसिक एडवांस सब आ जाता है सागर जी। तो